इस वक्त बंगलुरु में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगलुरु में धरने पर बैठे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने के लिए रमादा होटल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब दिग्विजय विधायकों से मिल नहीं पाए तो होटल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक हंगामा और कहासुनी होती रही। इसके बाद आखिरकार पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया है। बंगलुरु की तस्वीरें आप देखिए। अब दिग्विजय की आज सुबह धरना पॉलिटिक्स देखने को मिली। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे चुकी है कि उन्हें इजाजत दी जाए विधायकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही बागी विधायकों से मिलने दिग्विजय आज बंगलुरु पहुंचे, लेकिन सफल ना हो पाए अपनी इस कोशिश में। हिरासत में लिए जाने से पहले दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के 22 विधायकों को जबरन कैद करके रखा है। He voluntarily walked out of the bar and joined BJP. And those who had him defeated in the Lok Sabha election, they are dear to him. And those who worked for him are enemies. We were expecting them to come, but when we saw that they are being held back, the messages came from their families. I personally spoke to about 5 MLAs. I've spoken to them. They said we are captive. We can't come out. Our phones have been snatched away. They are not allowing us. And there is a police in front of every room. They are being followed 24/7. What is police doing there in the rooms? If you're so confident, why didn't you go for floor test? Floor test without 22 MLAs. Floor test without 22 MLAs. No, but they're saying that these MLAs have submitted the resignation of the speaker. So fine. The speaker has to have a one-to-one meeting with the MLAs. They have to have a one-to-one. That is the law. That is the parliamentary practice. So what's the Kamal Nath given brief, sir? What's Kamal Nath's brief to you, sir? No, I don't. My brief is for myself. I'm a Congress candidate of the Raj Sabha. I have a right to seek vote from my MLAs. That is my brief. I have answered you a number of times. Why do you come again? तो मध्य प्रदेश की सत्ता का संग्राम दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ की सरकार को बचाने के लिए आपने देखा दिग्विजय बंगलुरु पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट में ठहरे बागी विधायकों से मिलने की कोशिश भी की तो पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया। यानी मध्य प्रदेश की लड़ाई अब मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली और बंगलुरु तक में भी लड़ी जाने लगी है। तो पूरी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बागी विधायकों से, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनसे मिलने के लिए आज सुबह सुबह अचानक कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बंगलुरु पहुंच गए। होटल रमादा जहां पर ये विधायक ठहरे हुए उनसे मिलने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी तो जबरन वो धरने पर बाहर ही बैठ गए। डीके शिव कुमार ने इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या कहा ये आपको सुनवा देते हैं। Otherwise they will be disqualified. They have to be educated well. Friendship is very much clear. Unnecessary BJP is playing on their political life. They have been in a very long since politics. They want to finish them politically. So they are trying to misuse them. You still maintain that they are your MLAs because they cut it. तो अब कांग्रेस तमाम हथकंडे जरूर अपनाने में लगी कि किसी भी तरह बागी विधायकों को मना लिया जाए, वापस लाया जाए, ताकि फ्लोर टेस्ट से पहले वो बहुमत साबित करने की स्थिति में रहे। टी राघवन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। राघवन, हालांकि कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल की गई है कांग्रेस द्वारा कि वो इन विधायकों से मिल सकें, बातचीत कर सकें, लेकिन उससे पहले ही आज अचानक दिग्विजय बंगलुरु कैसे पहुंच गए, क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम बताइए हमें। जी देखिए, वाकई में ज्योति बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि 6:25 पर वो सीधे रिसॉर्ट पहुंचे और इस बात की सूचना
सिर्फ कुछ कांग्रेसी नेताओं एमएलए को दी गई थी, उन एमएलए के साथ जिसमें केपीसीसी के जो अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार वो भी थे, कृष्ण बैरोगढ़ और रिजवान अर्शद, ये तीन चार एमएलए के साथ और कुछ एमपी के नेता भी उनके साथ पहुंचे थे, वो सब वहां पर पहुंच गए और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनका ये कहना था कि कम से कम 5 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें फोन कर बताया है कि वो कैप्टिव में है, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। जब जो भीमाशंकर गेलाद है वहां के डीसीपी, उन्होंने बाकायदा ये वो कह रहे हैं कि उन्होंने बात की उन एमएलए से रिसॉर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि आपके नेता है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब उन एमएलए ने मना कर दिया कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है दिग्विजय सिंह से मिलने में, उसके बाद ही उन्हें कहा गया कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। करीब 20-25 मिनट तक ये वहां पर ड्रामा चला, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। लगातार दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है। कम से कम 16 विधायक, जो 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं उसके अलावा 16 विधायक, कुल मिलाकर 22 लोग फिलहाल इस रिसॉर्ट में है। और कल हमने 1-to-1 ज्योति सबसे बात की थी और सबका ये कहना था कि उनके पर कोई बंधन नहीं है, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है, वो स्वेच्छा से यहाँ है, कमलनाथ से नाराज है और वो चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार चली जाए, इसीलिए वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मौजूद है। और उनके नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो जो कहेंगे उनका अगला फैसला होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसे पॉलिटिकल, बिल्कुल राघवन, और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में दिग्विजय सिंह के ही बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि 5 विधायकों ने उन्हें फोन किया, दूसरी तरफ कहते हैं कि बीजेपी ने उनके फोन छीन लिए, किसी के पास फोन नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि पूरा सियासी ड्रामा अब क्या मोड़ लेता है। शुक्रिया राघवन पूरे अपडेट के लिए।